दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है ऑटोस्पा ब्रांड का टायर ड्रेसर, जिसके मदद से आप कार या फिर बाइक के टायर को हाई ग्लॉस लुक में रेस्टोर करने के साथ साथ सनलाइट के यूवीओ या फिर रोड ग्रीम्स वगैरह से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे इस टायर ड्रेसर को किस तरीके से यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, यानी टायर कितना बढ़िया क्वालिटी का हाई ग्लॉस लुक में रेस्टोर होता है। साथ साथ इस टायर ड्रेसर के साथ आपको एक फोम एप्लीकेटर भी फ्री में मिल रहा है। तो आप में से जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस टायर ड्रेसर को खरीदना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इस ऑटोस्पा टायर ड्रेसर का परचेज लिंक मैंने डाल दिया है। चैनल में नया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो बिना टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑटोस्पा टायर ड्रेसर का ये जो है एक 500 ml का स्प्रे बॉटल है। बॉटल के साइड में देखेंगे तो प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। अभी एमआरपी की अगर बात करें तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखा है, लेकिन ऑनलाइन में इसका प्राइस जो है बहुत ही कम है। फटाफट से टायर ड्रेसर को किस तरीके से यूज़ करना है देख लेते हैं। दोस्तों ऑटोस्पा टायर ड्रेसर को यूज़ करने से पहले बॉटल को अच्छी तरीके से सेक कर लेना है और हमेशा आपको क्लीन टायर पर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि टायर के ऊपर में मिट्टी वगैरह चिपका हुआ है उसके ऊपर मैं यूज़ कर दी। तो यहाँ पर मेरे कार के टायर को मैंने पहले से क्लीन करके रखे और यहाँ पर ऊपर में और नीचे में 2 मास्किंग टेप लगा दिया है। अभी इस साइड में जो है टायर के साइड वाल पर हम यूज़ करेंगे। तो 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक तो इस फोम एप्लीकेटर पर इस टायर ड्रेसर को लेके जो इसके मदद से लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर साइड वाल के ऊपर में स्प्रे करके फोम एप्लीकेटर की मदद से इसको स्प्रेड करके लगा सकते हैं। सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है, स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर स्प्रेड करने के साथ साथ पूरा टायर जो है रेस्टोर हो चुका है, देख सकते हैं। जैसे अभी इसको बस सिंपली 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद जो एक्सेस टायर ड्रेसर लगा हुआ है उसको वाइप अप कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 1 मिनट हो चुका है। अभी माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से एक्सेस जो टायर ड्रेसर लगा हुआ है उसको हम वाइप अप कर देते हैं। मैं मास्किंग टेप को हटा देता हूँ यहाँ से। टायर के साइड वॉल के ये वाला सरफेस को आप जैसे देख सकते हैं पूरी तरीके से ग्लॉसी ब्लैक लुक में रेस्टोर हो चुका है और एकदम नया जैसा लग रहा है। अभी इस सरफेस को देखिए, यहाँ पर लाइट पड़ने की वजह से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक रिफ्लेक्शन आ रहा है इस सरफेस पर। और यहाँ पर इस साइड वॉल के ये वाला सरफेस के साथ ये वाला सरफेस में क्या डिफरेंस आया है वो वाला चीज़ मुझे कहने का ज़रूरत नहीं है, कैमरा में ही क्लियरली आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। डेफिनेटली दोस्तों ऑटोस्पा टायर ड्रेसर जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से टायर को रेस्टोर करता है। टायर को थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ कितना बढ़िया तरीके से रेस्टोर हुआ है। देखिए दोस्तों दोनों सरफेस पर जो है आसमान ज़मीन का फ़र्क आ गया है और रिफ्लेक्शन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का हो रहा है। देखिए खास करके ये वाला सरफेस को देखिए, या फिर नीचे में यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड करेंगे। तो 1 मिनट के लिए अभी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। दोस्तों ऑटोस्पा टायर ड्रेसर को यूज़ करने पर टायर डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से हाई ग्लॉस लुक में रेस्टोर होता है, लेकिन सनलाइट के यूवी या फिर रोड ग्रीन से कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है टायर वो वाला चीज़ वीडियो में टेस्ट करके दिखाना मुमकिन नहीं है। उसको जानने के लिए इस प्रोडक्ट को आपको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से इस टायर ड्रेसर को खरीद सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।